गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार और यहीं पर ये उनका घर है मुंशी प्रेमचंद जी के यहाँ पर जहाँ पर इनका पैतृक घर है और यहीं पर अंदर चलते हैं और यहाँ पे इनकी लाइफ इस तरीके से इनकी पुस्तकें हैं, इन्होंने किताबें लिखी हैं, वो सारी किताबें यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगी। मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता है, शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी अपने बचपन में बुक्स में ना सुनी हो। तो आज मैं ऐसी जगह आपको लेके आ चुका हूँ जो कि मुंशी प्रेमचंद जी आज तो इस दुनिया में नहीं है, पर यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि कोने कोने जगह जगह में मुंशी प्रेमचंद जी अभी भी यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि आप पुस्तकों को फील करना, इसका मतलब ये है कि मुंशी प्रेमचंद जी से साक्षात मिलना। तो इसीलिए हम बनारस में आए हैं, एक लमही गाँव है जहाँ पे वो जन्मे थे। प्रेमचंद जी को जीवित रखना है आज के टाइम में सिर्फ एक शख्स का हाथ है जो कि यहाँ पर अभी बैठे हैं, अभी मैं उनसे मिलाता हूँ आपको। तो ये सर है, सर जी नमस्कार, कैसे हैं सर? सब अच्छी बात है, बड़े लोगों का जो है। सर मैंने आपको बहुत बार देखा है यूट्यूब पे, उनके जन्म स्थान को सर्च करते हैं तो यहाँ की काफ़ी वीडियोज आती हैं, तो मैंने आपको बहुत सुना है और बहुत ही अच्छा लगा आपके बारे में सुन, आप जिस तरीके से बताते हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया तो मैं फाइनली आपसे मिलने आया हूँ। तो हमारे लिए कुछ बताइए कि मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ हम आपके आमने सामने हम सुनना चाहते हैं, तो क्या कैसे आप फील होता है वो बताइए जरा। सबसे पहले जैसा कि अभी तक आप किताबों में पढ़े थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव आजमगढ़वाजी रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही के जन्मस्थल पर पहुंच चुके हैं। जब आप चले होंगे तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं लमही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, पता नहीं लोग आते होते हैं कहीं आते हैं, तो तमाम विचार आपके दिमाग में आया होगा। आप जो है सोचते विचारते मुंशी प्रेमचंद जी के गाँव लमही के जन्मस्थल पर पहुँचे। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, खपरायल वाला मकान था। अरे हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुए जहाँ मूर्ति लगी हुई है। सच तो यह है कि लोग पूछते हैं कि प्रेमचंद जी कहानीकार कैसे हो गए, एक परिवार में तमाम लोग थे तो पूछते हैं कि प्रेमचंद जी कहानीकार कैसे हो गए। सच्चाई तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। गाँव में एक कहावत कहते हैं कि जाके पाँव ने फटे विवाही उनका जाने पी पड़ी। हमारा भारतवर्ष इतिहास के पन्नों से भरा पड़ा है, लेकिन एक इतिहास के पन्ना वह 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के लिए बड़ा ही चुनौती भरा था, ऐसे ही समय में हमारे प्रेमचंद जी चुनौतियों में ही पैदा हुए, चुनौतियों में पले, चुनौतियों में चले गए, आज हम लोग के सामने चुनौतियां छोड़ कर भी गए हैं। आप कहिएगा कि जिस समय पैदा हुए उनके सामने उस समय कोई चुनौती नहीं होगी। सच्चाई तो यह है कि जिस समय प्रेमचंद जी पैदा हुए जो है एक चुनौती लेकर के पैदा हुए, एक रूढ़ी लेकर के पैदा हुए, ये तेतरा पैदा हो गए। गाँव में एक मानसिकता होती है कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महा भी नासी माना जाता है, या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो उनका सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सत्यानाश उस विश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पर पहला स्थान पर सम्राट की पारी पाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे। लोग सोच चुके थे कि इस अंग्रेजों से तो कभी हम आजाद हो ही नहीं सकते, लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, हमारे देश के महापुरुषों ने वह स्वराज का मशाल लेकर के आगे निकल पड़े। अब प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बनकर के शामिल हुए, जो कि देश के आजादी से लेकर समाज के आजादी तक का संकल्प लेकर के इन्होंने रचनाएं शुरू किया। देश के आजादी के लिए इनका सोजे वतन वह 5 कहानियों का संग्रह है, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मकमूर यही मेरा वतन है 100 का पुरस्कार सांसारिक उद्देश्य। पहली ही कहानी की कही पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्होंने जब्त करके आख्यावल कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश की आजादी के लिए चिता चढ़ा दी थी। कोई था तो हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। वैसे प्रेमचंद का 5 नाम है, नाम बदलने का तमाम कारण था। पहले जो है इनका घर का पुकारने में पहले नवाब के नाम से लिखाई करते थे, तो प्रेमचंद का 5 नाम है, नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय का सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद इनका साहित्यिक नाम, अफसाना कोहिन का उर्दू का नाम, बंबू के दोस्तों द्वारा पुकारा गया। तो नाम बदलते रहे रचनाएं करते रहे, यहीं से प्रेमचंद ने पहले उर्दू में शुरू किए। वैसे प्रेमचंद जी 4 भाषा जानते, उर्दू हिंदी इंग्लिश फारसी, तो पहले प्रेमचंद जी जो है यहाँ से लिखना तो पहले उर्दू में लिखना शुरू किया। यहीं से अस्रारे मा अबिद हम कुरमा हम सबाब चौगाने हस्ती मैदान अमल बजाने हुस्त बेवा गुसय अफियत जलवय इशार गौदान, ये सब पहले उर्दू में सीखे। जब जान गए कि पॉपुलरिटी बढ़ने लगी, लोगों का इंटरेस्ट पढ़ने में बढ़ने लगा, तो प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आ गए 1915 के बाद। फिर यहीं से गोदान गबन रंगभूमि कर्मभूमि प्रेमाश्रम कायाकल वरदान प्रतिज्ञा सेवा सदन विमला मनोरमा रूठी रानी कृष्णा प्रेमा मंगलसूत्र,
अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। मौत किसको छोड़ा है, हमारे प्रेम चंद्र में नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आज हम लम्हे ग्रामवासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं। वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, तो वह थे हमारे लम्हे से कलम सिपाही प्रेमचंद। प्रेमचंद 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 कौन थे, प्रेमचंद क्यों पॉपुलर हुए? तो जैसा कि हमने बताया कि प्रेमचंद जी उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पत्रकार, जगत। आज मैं प्रेमचंद को ही विचारों को लेकर के मैं यहाँ सेवाएं होकर शुरू किया। तब प्रेमचंद की पहचान उनकी किताबों से थी। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसा कि हमने बताया कि प्रेमचंद जी पहले उर्दू में शुरू किए। तो ये आप उनका उर्दू देख रहे हैं, जो है एक फिसाने आजाद। आजाद कौन था, क्या किया था? प्रेमचंद जी पहले जब लिखना शुरू किए धारावाहिक रूप में सोजे वतन, ये जो है कि इसे जो है प्रेमचंद का जो है कि कहानियां संग्रह है। ये जो प्रेमचंद के उर्दू अफसाने इधर जो है, इधर आप जैसा कि देख रहे हैं चौगाने हस्ती मैदाने अमल, इधर जो प्रेमचंद की तमाम वो उर्दू वाली किताबें हैं। प्रेमचंद जी जो है कि नारी समस्या पर बेवा लिखा प्रतिज्ञा जो है हिंदी में, इसके बाद प्रतिज्ञा करने के बाद वो जो है कि एक बेवा एक जो है विवाह से ही शादी किया, हसरे हुआ कि उनको घर से ही जो है निकाल दिया गया, तो वो जो है नहीं है। प्रेमचंद जी नौकरी छोड़ने के बाद गांधी जी के आह्वान पर गोरखपुर से गाजी मियां के मैदान से इन्होंने जो है 16 फरवरी 1921 को त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने के बाद सोचे कि क्या करना चाहिए, ये जो है महावीर प्रसाद को डांट सा चरखे का भी कार्य करने लगे। तो ये जो है उनका जो है ये चरखा है। फिर उसके बाद प्रेमचंद का प्रिय जो है हुक्का, प्रेम हुक्का के भी बड़े शौकीन थे, ये हमने यहाँ पर जो कि लगा रखा है। तो ये रियल है ये हुक्का उनका, ये बाद में उनको लगाए जब हम किताबों पढ़े। आपको जो है एक बड़ा दुर्लभ चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ, जैसा कि प्रेमचंद जी कई प्रेसों में जो है काम किए। ये हंस पत्रिका जो है प्रेमचंद जी अपने यहाँ से निकालते थे, ये जो है 1930 में जी 1930 में इसको निकाले। इधर जो है सरस्वती, जैसा कि आप उसका नाम सुने होंगे, ये सरस्वती का पूरा कलेक्शन है। ये जो है प्रेमचंद जी चांद में भी काम किए थे, जैसा कि आप चांद देख रहे हैं ये। और इधर जो है प्रेमचंद जी जो है माधुरी, ये देख रहे हैं बड़ी दुर्लभ किताब, लाखों रुपया देने के बाद भी नहीं मिली, लेकिन मेरा ये शौक है कि मैं यहाँ पर जो है सरस्वती ये आप देख रहे हैं उस समय का है, ये सब जो मैं कलेक्शन किया हूँ। प्रेमचंद जी जैसा कि हमने बताया कि तमाम कहानियाँ कुछ कहानी प्रेमचंद जो के शरीर से कुछ घर से कुछ गांव से इस पर जहाँ जहाँ जाते रहे यहाँ से कहानी लिखते रहे। एक कहानी इन्होंने लिखा था सवा शेर गेहूँ, ये उस समय का बटखरा है जहाँ की जो है कि एक शंकर महतो बेचारा शंकर मजूर हो गया, सवा शेर गेहूँ से 5.5 मन गेहूँ हो गया, बेचारा नहीं दे पाया। फिर उसके बेटे का गला पकड़ेगा, पता नहीं शंकर महतो के बेटे का गला छूटा कि नहीं छूटा, ये सब जो है प्रेमचंद जी तमाम हम लोगों को जो है। इधर जैसा कि आप देख रहे हैं ये चिट्ठी पत्र, इधर जो रिसर्च वाली बुक है, इधर प्रेमचंद की कहानी संग्रह लगी हुई है, इधर जो प्रेमचंद के जो उपन्यास लगे हुए हैं, सोजे वतन जो अंग्रेजों द्वारा जला दी गई थी वो जो कि ये है, और पहले वाली जो वहाँ लगी हुई है जो है इधर ये सब जो है, और ये सब पुरानी पुरानी किताबें हैं। 3 नाटक लिखे थे करबला संग्राम प्रेम की बेटी संजोग से आपके पास है जो है। इधर जो आप पीछे अपने जगह की देखेंगे तो प्रेमचंद जी होली के बड़े शौकीन थे, यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर हमने जो है हमने होली और होली की छुट्टी ये सब तमाम जो कि लिखे हैं ये सब है। आप अपने जो है बाई तरफ देखेंगे इधर जो है ये जो है महापुरुषों जो है विदेशी राइटरों का अनुवाद, एक ये बड़ी दुर्लभ चीज है या ये स्पेशल कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। ये जो है प्रेमचंद के पिता की डाक मुंशी थे, यहाँ पर बच्चे आएंगे देखेंगे उनके दिमाग में आ जाएगा कि हम जो है कि लम्हे गए देखे तो वो जो है प्रेमचंद के पिताजी क्या करते हैं उनके दिमाग में आ जाएगा। अरे है जो है प्रेमचंद की धर्म पत्नी सीरानी जी और जो है प्रेमचंद, इन्हीं के नाते इनको घर से जो है बेदखल होना पड़ा जबकि ये विधवा शादी किए थे। तो ये जो है फोटो है, ये आप जो देख रहे हैं ये हमारी सेवाओं पर मिला है, माउंट कार्मल कॉलेज बंगलौर में मैसूर के ताज बना करके सम्मानित किया गया था। आदमी के काम की पहचान होती है, पैसे और हवेली कोई पहचान थी, जितना भी आप देख रहे हैं सभी हमारे सेवाओं पर मिला है। प्रिय खेल गुल्ली डंडा, यही वो लम्हे का वह बगीचा जहाँ की कभी प्रेमचंद जी उसमें गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे, कुत्ते के पीछे दौड़ना, भालू के पीछे दौड़ना। तो इसमें IAS पीसीएस अधिकारी भी जब इसके सामने खड़े होते हैं तो उनके चेहरे पे एक मासूमियत आती है कि हम भी कभी बच्चे थे, हम भी गुल्ली डंडा खेला करते थे। तो इसमें जाति पात भेदभाव ऊंच नीच अमीर गरीब नहीं है, खेल है तो खेल है। प्रेमचंद जी जो है बच्चों के भी लेखक थे, जैसा कि हमने बताया कि जो है मिट्टू पागल हाथी से लड़का कुत्ते की कहानी जंगल की कहानी गुल्ली डंडा ये सब जो है रामलीला ये सब गाँव का जैसे उसमें जो है एक बड़ी चर्चित जो कि एक बाल कहानियों में आता है कि गा जहाँ की जो है दादी का हाथ जल सकता है आत्मा जल सकता है लेकिन वो चिंता नहीं ले सकती, उस कार्य को एक छठे से जो है बच्चे ने जो किया जहाँ की हुआ हामिद को तो पता नहीं होगा लेकिन आज हमारा हामिद प्रेमचंद का हामिद पूरे विश्व पटल पर छा चुका है। यहाँ पर प्रेमचंद की तमाम कहानियों को हम लगाए हैं कि बच्चे यहाँ पर आते हैं उनके दिमाग में आ जाता है कि हम लम्हे ही गए थे, ये सब तमाम कहानियों को जो दिखा तो उनके जीवन में आ जाता है। प्रेमचंद कितना उपन्यास लिखे थे यहाँ पर जो कि मैं जो है एक किताब के भी रूप में हम लगाए हैं, इधर आपके बगल में ये सब लिखित यहाँ पर जो कि लगा हुआ है, लोग आते हैं नोट करते हैं, IAS पीसीएस का कॉम्पिटिशन पूछा जाता है, लोग फेल हो जाते हैं।
ये जो कुछ कहानियां जो चर्चित कहानियां हैं यहाँ पर जो ये हम लगा रखे हैं, ये प्रेमचंद जी लेखन रथ, ये सब प्रेमचंद का अलग अलग फोटो है। ये लेखन रथ प्रेमचंद जी जब कि अपने पूरे सभा करते हैं। और ये जो है जो प्रेमचंद जी जो है शिक्षा विभाग में SDI पोस्ट तक पहुंचे थे, सब डिप्टी इंस्पेक्टर, ये जो है उस समय का है। प्रेमचंद जी जब पहले लिखना शुरू किए, प्रेम प्रसन्न, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पीयूष, सब सुमन, ये सब जो पहले इधर लिखा, फिर इसके बाद इसको जो है मान सरोवर में कन्वर्ट कर दी गई। प्रेमचंद की कुछ चर्चित जो है जैसे सवेकार, ये जो कि यहाँ पर है सप्त सरोज, सप्त सरोज उर्दू से हिंदी में आने के बाद ये पहली रचना है। ये समर यात्रा इसको जो है अंग्रेजी में प्रतिबंधित कर दी। स्वराज के फायदे, जो कि प्रेमचंद के समय जो उसी समय वो जो है स्वराज चाहते थे, लेकिन वो स्वराज कैसा होना चाहिए। ये है प्रेमचंद का वो बैठक जहाँ से बढ़ते हैं, जो पानी पीने वाला नलुआ आप देख रहे हैं ये उसी समय का है, ये खुद बता रहा है। प्रेमचंद का बैठक जिसमें जो है गेस्ट रूम हम बोल सकते हैं, गेस्ट रूम जल्दी समझ जाते हैं लोग। तो ये है प्रेमचंद के बाबा, ये बनवाए थे कुशहायला जी। ये दीवाले, ये जो है धराम किया जा रहा है, ये दीवार उसी तरह से है, लेकिन जो इसका जो है प्लास्टर कराया गया है, इसके दरवाजे बदले गए हैं। ये अरवा ताखा अलमारी है उस समय का आप देख रहे हैं, ये धरण पटिया लकड़ी का है, इसको जो है ये लगाया गया, इसका मरम्मत कराया गया है। ये जो है ये अरवा ताखा देख रहे हैं, ये अलमारी देख रहे हैं। प्रेमचंद जी पहले लिखने का कार्य इसी में करते थे, इसी रूम में जी इसी में जब करते थे, फिर बाद में दूसरी शादी करके आए तो अपना उधर बनवा लिए, फिर लिखने का कार्य उधर करते थे। ये जो है उस समय बिजली बिजली का साधन नहीं था, ये जो है कि 2006 में फिर मुलायम सिंह के कार्यकाल में लगा दिया गया। इधर प्रेमचंद के समय ऐसा घर बनवाते थे कि हवा रोशनी दोनों मिले। इधर भी आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत ही पुराना है। ये देखिए ये स्विच है जी, इधर जो प्रेमचंद का कुआं है जिस पर बैठ करके गांव के लोगों से मिलना जुलना, नहाना धोना। अच्छा, तो पहले तो इतना साधन व्यवस्था नहीं था। और ये जो है प्रेमचंद का कुआं है, ये इसी पर जो है प्रेमचंद जी के दो बैलों की कथा, वो जो है कालर आप देख रहे हैं बना हुआ, यहाँ जो है पानी गिरता था चला जाता था खेतों में, खान यहीं पर अपना सिंचाई कर रहे थे। उन्होंने जो है जाकर के देखे तो लिख रहे थे, तो पूछे कि कहो चचा तो जिसमें लिख लिया करा ला, तो खर्चवा उर्चवा कहाँ से चला ला, कह जा तो अपन काम कर हमारे चक्कर में पड़ा, तो कहीं बहुत लिख था हमारे वर्धमान के बारे में पूछ लिखे था, तो बैल का प्लाट पा गए। तो वही जो कि उनका होता क्या, तो मालिक का खेत तो जोतता ही है, ये बेचारा मंगनी में भी जाता है, जो मंगनी में उसके साथ अत्याचार हुआ, उस अत्याचार को रोकने के लिए प्रेमचंद लिखा दो बैलों की कथा। जो पूरा जीवन व्यतीत हुआ है जिस जगह पर, जहाँ पर उन्होंने इतनी साहित्य का कहानियाँ, इतने उन्होंने नाटक और इतने कुछ कहानियाँ लिखी हैं, तो वो इसी गांव में लिखी है। तो यहाँ पर आके हम तो बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी मानते हैं कि हम यहाँ आए हैं और यहाँ पे आके हमने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में इतना कुछ जाना है। तो ये सारी चीज़ें जिन्होंने बताई है वो यहाँ पर अभी अध्यक्ष हैं कमेटी के, मुंशी प्रेमचंद जी के यहाँ के एक कमेटी बनी हुई है, तो वो यहाँ पे अध्यक्ष हैं, तो वही सारी देख रेख करते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ जान के ना आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। मुंशी प्रेमचंद जी को हमने कहानियों में बहुत पढ़ा है और आज हमने आपको उनका गांव दिखाया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे नए पुराने भाई साहब सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके लिए इतनी दूर आके वाराणसी में के एक लम्ही गाँव में आकर मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए सफ़र पे, नई जगह पर, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।